हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक। ड्यूरिंग दिस सेशन आई विल कवर फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, लास्ट पार्ट अप्रूवल वर्सेस पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन वर्सेस डॉक ऑडिट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन फॉर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन सुपरवाइजर फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग FPA वर्सेस FPA वर्सेस PI वर्सेस डॉक ऑडिट। सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। फर्स्ट लेट वी अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट अप्रूवल यानी जॉब सेटअप। ड्यूरिंग जॉब सेटअप फर्स्ट पार्ट टू बी चेक्ड बाय क्वालिटी सुपरवाइजर फॉर कन्फर्मिंग द पार्ट क्वालिटी एज पर SOP ऑब्लिक ड्रॉइंग आफ्टर FPA। दोस्तों, FPA को FOAB बोला जाता है, फर्स्ट ऑफ अप्रूवल। क्वालिटी इंजीनियर गिव परमिशन टू ऑपरेटर फॉर रनिंग दैट पार्ट इन प्रोडक्शन। इसे दोस्तों हिंदी में समझाता हूँ। जब किसी मशीन पर चेंज ओवर होता है या करंट में जो पार्ट चल रहा था उसका प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद पार्ट की डाई को मशीन से अनलोड किया जाएगा और उसी मशीन पर दूसरे पार्ट की डाई लोड की जाएगी। डाई को प्रॉपर सेट करने के लिए डाई सेटर पहला पार्ट बनाकर क्वालिटी सुपरवाइजर से चेक करवाएगा। यदि क्वालिटी से पार्ट ओके हो जाता है तो ऑपरेटर क्वालिटी सुपरवाइजर से परमिशन लेके पार्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, इस मेथड को फर्स्ट पार्ट अप्रूवल बोला जाता है। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट FPA इंस्ट्रक्शंस और बेनिफिट्स ऑफ FPA। सो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? फर्स्ट वन, ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्ट्स शुड बी चेक एज गिवन इन SOP। SOP के अनुसार आपको पार्ट के सभी पैरामीटर चेक करने होंगे। सेकेंड इंस्ट्रक्शंस, इफ एनी पार्ट पैरामीटर ऑब्जर्व्ड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन देन सजेस्ट टू डाई सेटर फॉर करेक्शन टू मीट स्पेसिफिकेशन। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अप्रूवल के टाइम पे पार्ट का कोई भी पैरामीटर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मिलता है तो आपको डाई सेटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो उसको स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सके और एडजस्ट कर सके। थर्ड वन इंस्ट्रक्शन, FPA नॉट एक्सीड 2 to 3 पार्ट्स, ट्राई टू सेट इन फर्स्ट पार्ट, अदरवाइज इट इंक्रीज रिजेक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिजेक्शन PPM। दोस्तों, हमें ये ट्राई करना चाहिए, हमारा जॉब सेटअप ट्राई करना चाहिए एक या दो पार्ट में कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा तो रिजेक्शन इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा रिजेक्शन PPM भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ लेट अंडरस्टैंड FPA बेनिफिट्स। फर्स्ट वन, रिड्यूस प्रोसेस डिफेक्ट्स एंड रिजेक्शन। अगर दोस्तों जॉब सेटअप के बाद प्रोसेस में डिफेक्ट जनरेट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सेकेंड, इट हेल्प टू रिड्यूस COPQ, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अप्रूवल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प टू रिड्यूस चांसेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। लेट डिस्कस अबाउट लास्ट पार्ट अप्रूवल LPA। आफ्टर जॉब सेटअप पार्ट प्रोडक्शन कंप्लीटेड देन पार्ट डाई टू बी अनलोडेड फ्रॉम मशीन एंड लास्ट प्रोड्यूस्ड पार्ट विल बी चेक एंड कंपेयर विद फर्स्ट पार्ट। इफ एनी पैरामीटर ऑब्जर्व्ड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन देन क्वालिटी सुपरवाइजर विल हाईलाइट दिस ऑब्जर्वेशन इन LPA रिपोर्ट एंड सेंड दिस रिपोर्ट विद डाई इन टूल रूम फॉर करेक्शन। तो इसे दोस्तों हिंदी में समझते हैं।
जब किसी मशीन पर पार्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद डाई को मशीन से अनलोड किया जाता है तो उस डाई से बने लास्ट पार्ट को क्वालिटी सुपरवाइजर चेक करता है। पार्ट का पैरामीटर कोई भी आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मिलता है तो क्वालिटी सुपरवाइजर उस ऑब्जर्वेशन को LPA रिपोर्ट में हाईलाइट कर देता है और उस रिपोर्ट को डाई के साथ अटैच करके टूल रूम में करेक्शन करने के लिए भेज देता है। अगली बार जब ये डाई मशीन पर लोड होने के लिए आएगी तो रिपोर्ट के अनुसार करेक्ट होके ही आएगी। चलिए दोस्तों LPA के बेनिफिट समझते हैं। फर्स्ट बेनिफिट, टूल रूम गेट एक्चुअल टूल कंडीशन आफ्टर प्रोडक्शन थ्रू LPA रिपोर्ट। टूल रूम सुपरवाइजर गेट अटेंशन एंड फोकस ऑन पर्टिकुलर करेक्शन रिक्वायर्ड इन डाई बिफोर रीलोडिंग ऑन मशीन। LPA का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है दोस्तों, टूल रूम सुपरवाइजर को ये पता लग जाता है जब टूल मशीन से अनलोड होके आता है तो LPA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या करेक्शन करना है, उसी को पर्टिकुलर पॉइंट पर करेक्ट करके वो नेक्स्ट टाइम मशीन पर लोड होने के लिए भेजेगा। नेक्स्ट, टाइम सेविंग एंड इंक्रीज OEE। नेक्स्ट, सेटअप रिजेक्शन रिड्यूस एंड रिड्यूस PPM। तो LPA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब ये टूल करेक्ट होने के बाद नेक्स्ट टाइम मशीन पर लोड होने के लिए जाएगा तो वहाँ जॉब सेटअप जल्दी हो जाएगा और वहाँ पे रिजेक्शन कम रिड्यूस होगी जिससे कि हमारा PPM भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस टूल ब्रेकडाउन चांसेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन, रिड्यूस क्वालिटी इशूज एंड हेल्प टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। नेक्स्ट, इट हेल्प टू अचीव जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो डिफेक्ट जर्नी। लास्ट वन, इट हेल्प टू रिड्यूस COPQ। नेक्स्ट, लेट वी डिस्कस पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन आफ्टर फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। द क्वालिटी सुपरवाइजर टू बी मॉनिटर पार्ट क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन टू बी कैरिड आउट एज पर फ्रीक्वेंसी मैंसनड इन कंट्रोल प्लान, दैट इज एवरी 1 hour, 2 hour, 3 hour ETC। लेट अंडरस्टैंड इन हिंदी। प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी सुपरवाइजर निश्चित समय अंतराल पे पार्ट की क्वालिटी चेक करता है ताकि प्रोडक्शन के दौरान पार्ट खराब ना बने। ये जो पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन है, कंट्रोल प्लान में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी सुपरवाइजर को मॉनिटरिंग करना होता है। बेनिफिट्स ऑफ पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन, रिड्यूस प्रोसेस डिफेक्ट एंड रिजेक्शन एंड इट हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। दोस्तों पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन से हमें यह पता लग जाता है अगर जॉब सेटअप कंप्लीट होने के बाद उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अगर प्रोसेस में कोई पार्ट डिफेक्ट जनरेट हो सकता है तो पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन में डिटेक्ट हो जाता है और हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर कंप्लेंट भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। इट हेल्प टू शो ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन मेंटेनेंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो नाउ लेट अंडरस्टैंड डॉक ऑडिट और डॉक इंस्पेक्शन। डॉक ऑडिट इज ए मेथड टू इंश्योर द फिनिश पार्ट क्वालिटी बिफोर फाइनल पैकिंग इन शिपयार्ड prior to dispatch. In dock inspection, part pick from boxes or bins randomly and check visually. Let understand Hindi. Dispatch yard में जो final किया हुआ material रखा होता है उस material को final packing से पहले अलग अलग box या binों में से उठाकर visually check किया जाता है। इस method को dock audit कहा जाता है। Benefits of dock audit, रिड्यूस चांसेस टू फ्लो आउट डिफेक्टेड पार्ट एट कस्टमर एंड। दोस्तों कस्टमर एंड पे कोई डिफेक्टेड पार्ट फ्लो आउट ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक ऑडिट बहुत मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। दोस्तों कस्टमर से जो रिजेक्शन रिटर्न होके आएगी वो एलिमिनेट हो जाएगी और यू कैन से रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट। दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन FPA, LPA, पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन एंड डॉक ऑडिट। थैंक यू। रोहित फ्रॉम बल्लभगढ़। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग फ्रॉम हब ऑफ नॉलेज मैक। फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट माय ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, इट वाज रियली वेरी नाइस विद मिस्टर SK शर्मा। ही इज वेरी नाइस पर्सन, ही इज द बेस्ट टीचर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम जीरो टू हीरो, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर टेक ऑफ योर करियर एट पीक। This is Jayaram from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. Sanjay Sharma
After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge MAC team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001:2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very, very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Sukhni from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K. Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Ballabgarh. I have completed my online training